हाँ बोलो। मैं यारेन शादोलू बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे नहीं मिलना और आइंदा कॉल करने की जरूरत नहीं। मतलब कि तुम रयान के साथ एक ही छत के नीचे रहने में खुश हो? मुझे लगा शायद तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड वापस चाहिए। मुझे गलतफहमी हुई है क्या? तुम्हारे अभी तक फोन ना बंद करने का मतलब ये है कि गलत नहीं समझी मैं? देखो गुनु, हमारे खानदानों के दरमियान जो होना था वो हो गया। मैं सिर्फ अपने भाई का सोच रही हूँ। भाई रयान से मोहब्बत करता है और तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड वापस चाहिए। तो फिर यही मौका है, अगर आप दोनों मिलकर कदम उठाओगे तो अपने महबूब को वापस ला सकते हो। लेकिन इस बात का सिर्फ मुझे, तुम्हें और आजाद भाई को इल्म होगा। और हाँ, मैं तुम्हें दोबारा फोन नहीं करूंगी अगर तुमने फोन बंद किया, इसलिए अभी सोच कर जवाब देना। अगर इसके पीछे तुम्हारा कोई और मकसद हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस सब के पीछे मेरा एक ही मकसद है, अपने भाई की हेल्प करना, समझी तुम? जब मेरे भाई की हेल्प होगी तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। फिर क्यों ना हम मिलकर काम करें? ठीक है, बोलो। मिलना होगा हमें। ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। कहाँ आना है बताओ। मैं मिलने का अरेंजमेंट करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। यहां आके मिलने का बहुत शुक्रिया गोनुल। ओ भाई, वो भी आ गए हैं। ये औरत यहां क्या कर रही है? पहले आप बैठ जाएं भाई, फिर सब बताती हूँ। यारेन, तुम उस मक्कार की बीवी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है यार। भाई बैठकर एक दफा मेरी बात तो सुन ले, अगर पसंद नहीं आई तो बेशक चले जाना, लेकिन प्लीज एक बार सुन तो ले। यारेन, अब तुम यहाँ कौन सा नया खेल खेल रही हो? मैं कोई नया खेल नहीं खेल रही हूँ। उसको अपना हस्बैंड चाहिए और आपको रयान। अगर आप यहाँ 5 मिनट बैठकर बात सुन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, समझे? हमें एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज भाई। आजाद, मुझे रयान से कोई लेना देना नहीं। अगर आज वो घर से चली जाती है तो मैं उसका नाम भी भूल जाऊंगी। मुझे वो लड़की अपने घर में नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे दादा उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मीरान उसको नहीं छोड़ रहा है। दादा अगर उसको मारना भी चाहे ना तो भाई उसको वहां से ले जाकर अपनी हिफाजत में रख लेंगे। सही कह रही हूं ना भाई? आप भी कुछ बोले ना। ये गोनुल आपी है ना, वो यहाँ क्या कर रही है? ये इस बंदे को कैसे जानती है? कौन है ये लोग? ओह मेरे खुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ तो ठीक है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। एक दूसरे की मदद से काम करना है। अगर मकसद रयान को बचाना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम मीरान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना बाजी पलट सकती है। तुम फिक्र नहीं करो भाई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर रयान को कुछ ना हुआ तो मीरान को भी कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, काम शुरू करते हैं।
क्या हुआ अम्मी, कोई बात हुई है क्या? जब तुम आवाजों से घबराकर बाहर चली गई ना, तो पीछे बहुत कुछ हुआ है गोनल बेगम। मसलन तुम्हारा हस्बैंड उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया। कहाँ गए वो लोग? नहीं पता। मैंने आपको कहा था आपके पास मौका है, खोलें दरवाजा और से दफा करें इस घर से, और अभी आपकी वजह से पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। मेरी बात सुनो गोनल, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है, कहीं तुम पे ना निकाल दूं। मैं तुम्हारे लिए जब ये सब कर रही थी तो उस वक्त तुम कहाँ थी? बाहर मौजे न करती, यहाँ रुककर शौहर का इंतजार कर लेती तो मीरान उस लड़की के साथ जाता? बड़ी जल्दी है तुम्हें तो। हेलो हेलो यारीन, मैं अभी घर आई हूँ। मीरान और रियान दोनों कहीं चले गए हैं। कहीं चले गए क्या मतलब है? नहीं पता, ना तो अम्मी को कुछ पता है और ना ही घर में किसी को कुछ पता है उनके बारे में। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी मालूम करती हूँ कि वो कहाँ पे हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। पता नहीं ये लड़की सच भी बोल रही है या नहीं, और कैसे पता करेगी? विराट। हाँ? बेटा ये खेल कब खत्म होगा बताओ मुझे। देखो मीरान ने उस लड़की को यहाँ से भी ले गया। आपको क्या बताऊं मैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम मुझे लग रहा है इस घर में बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। विराट सच सच बताओ मीरान कहाँ गया है? हेलो फिरात, हम मिल सकते हैं क्या? तुम्हारी हेल्प करने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, एक घंटे बाद सेम जगह पे मिलते हैं, क्या कहती हो? हम इनसे बात कर रहे हैं और जनाब का तो ध्यान ही कहीं और है। अस्मा आपा, आपका बेटा फिरात अभी यहीं पर था और अब कहीं और गुम हो गया, कहीं देखा आपने? क्या मतलब? क्या हुआ, ये सब क्या है बताओ जरा। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस काम से मुतालिक एक जरूरी मैसेज आया था, बस उसका रिप्लाई कर दिया। इसे तो खत्म करो। शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। अस्मा आपा, मैं आपको बता रही हूँ, आपका बेटा चलते फिरते खाते पीते कहीं खो जाता है, और आप जानती हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाय। फिरात। जी दादी जान। कहाँ जा रहे हो? बाहर एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। उस दिन मैं तुमसे पूछ नहीं सकी, शादुलो खानदान में से किसने गोली चलाई थी मीरान पर, कौन था वो? बेगैरत खेजर था, नसू था, या फिर वो जहान का बेटा आजाद था? फिरात देखो, मैंने तुम्हें अपनी गोद में बड़ा किया है, कभी अपने पोतों से तुम्हें अलग नहीं समझा, जानते हो तुम मेरा सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पर है। अब बताओ मुझे किसने गोली चलाई? जवाब तुम मुझे बेटा, किसने गोली चलाई? रियान। रियान ने? शादलो खानदान की लड़की ने मेरे पोते पे गोली चलाने की जरूरत की? हाँ, और मीरान उसका हाथ पकड़कर मेरी हवेली में ले आया उसे? हाँ दादी जान, लेकिन उसको ठीक करने वाली भी वही लड़की थी, उम्मीद है आप उसको कुछ नहीं कहेंगी। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती, हर शय का एक वक्त होता है।
और वो वक्त भी जल्द आएगा। असलान बे के एक फर्द पे गोली चलाने का क्या अंजाम होता है पता चल जाएगा। मेरे हिसाब किताब में एक और हिसाब का इजाफा हो गया। ठीक है, तुम अपना काम करो जाकर। मुझे इस बात का इल्म है किसी को ना पता चले। फरात, मैंने जो तुमसे कहा वो तुम्हारे जहन में महफूज है ना? वेलकम। थैंक यू। प्लीज बैठे। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत खूबसूरत है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। बस मुझे ये पसंद आया, वैसे ज़बानी शुक्रिया अदा करने के बजाय सोचा ये ले लूं। फिराद, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो तो तुमने की है, रेयान की गुल से मुलाकात हो गई। खैर, उस रात एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं हम। मैं अगर गुल को जगाकर वहां ना भेजती तो। गुल को तुमने भेजा था यारिन? और क्या करती मैं? अगर गुल वहां ना जाती तो दादा उन दोनों को मार देते, इसलिए मैंने उसे वहां भेजा ताकि उसकी मौजूदगी में कुछ नहीं कहेंगे वो उनको। वाकई तुम बहुत अच्छी लड़की हो यारिन, हमने सोचा कि गुल वैसे ही वहां पे आ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने। ऑर्डर देता हूं। एक्सक्यूज मी, क्या पियोगी? मेरे लिए कॉफी ले आइएगा प्लीज। यारिन, तुम्हारा इस बंदे से क्या काम? तुम्हारा बाप ठीक कह रहा था, तुम हम दोनों को हार्ट अटैक करा के ही दम लोगी। यारिन, अम्मी, हम बस चुप करो और फौरन घर चलो तुम। और तुम मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरी बेटी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जहरा की तरह नहीं हूँ, बंदूक उठाकर सबसे पहले मीरान को मारूंगी और उसके बाद तुम्हें। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। और तुम जानते नहीं मैं गुस्से की भी कितनी तेज हूँ। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। किसी और से जाके बातें करो। और तुम चलो मेरे साथ, चलो यहाँ से। तुम्हें तो मैं घर चल के बताती हूँ। कमरे की हालत देखो, सब कुछ तोड़ दिया है। हेलो गोरल, मेरी बात गौर से सुनो तुम। अब हमें एक काम करना है। ठीक है, समझ गई मैं। मैं अभी निकल रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मेरी बात सुनो गोनल, अगर तुम कुछ करने जा रही हो तो। अम्मी, जब से ये सब शुरू हुआ है आप मुसलसल मुझे रोक रही हैं। रुक जाओ गोनल, मत करो गोनल, चुप हो जाओ गोनल, मत रो गोनल। अब आप मेरी किसी चीज में नहीं बोलेंगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे रास्ते में मत आए। अगर अब दादी जान भी मेरे रास्ते में आई तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। पता नहीं अब क्या करने जा रही है, इस कमरे की हालत तो देखो। अस्मा, आ गई आप चिल्लाने के लिए मुझ पे?
तुम्हें क्या हो गया है यारिन? कुछ भी नहीं किया, मरियम से बात कर रही थी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सारी बातें सुन लिया है मैंने। अगर सुन लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? यूं समझ ले कि भाई रयान का पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उससे मोहब्बत करता है और भाई रयान को अपनी बीवी बनाकर ही छोड़ेगा, चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। और जहां तक मुझसे हो सका मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। तुम ये चाहती हो कि एक शादीशुदा शख्स तुम्हारा शौहर बने, लेकिन यारिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझी तुम? जान से मार दूंगी तुम्हें। हाँ, मार दूंगी, ये कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सब कुछ करेगी? मुझे क्यों मार रही है? प्लीज अम्मी, खुदा के लिए जैसा आप भाई के बारे में सोचती हैं, वैसे ही मेरे बारे में भी सोचें। लेकिन आपको अपने बेटे के अलावा कुछ नहीं सोचता। बकवास बंद करो। आप देखती हो किसको कॉल करती हो। अम्मी मत करे अम्मी ऐसा। चुप करो, मेरी बात सुनो। तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अम्मी प्लीज दरवाजा लॉक नहीं करें। अम्मी ऐसा मत करें, प्लीज अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें, अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। गोनल, देखो मैंने तुम्हें खबरदार किया था, अगर कुछ ऐसा वैसा करने वाली हो तो मुझसे कुछ मत छुपाना। अपने शोहर को लेने जा रही हूँ। वो कैसे, कहाँ है मीरान? अम्मी मेरे मामलात में नहीं बोले, मुझे एक चांस मिला है और अब मैं उस चांस को जाया नहीं करना चाहती। आपने ही तो कहा था कि जब वो चांस तुम्हारे पास आएगा तो तुम खुद समझ जाओगी। वो चांस मिल गया है, इसलिए आप मदाखलत ना करें। देखो गोनल, अलिफ के गायब होने से हम परेशान हैं, तुम अपने आप को किसी मुसीबत में ना डाल लेना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, मैं इस दफा अपने जज्बात से नहीं अकल से काम कर रही हूं। अम्मी आप देख लेंगी, इस दफा कुछ डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट होगा सब कुछ। हेलो आजाद, मैं गोनल बोल रही हूँ। मैं निकल रहा हूँ। अब क्या करूँ, मुझसे मेरा फोन भी ले लिया है। भाई इंशाल्लाह रयान को उस घर से निकाल कर ले जाओगे, वरना ये सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाएगा। यहाँ अंदर है वो, रुको, जब तक मीरान अंदर है तुम उसको नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे उनका वेट करेंगे? हाँ वेट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुबह तक वेट करेंगे। सिर्फ एक ही चांस है हमारे पास आजाद, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर यहीं रहना है तो कुछ चीजें खरीदनी होंगी, इस घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। तुम बेशक कल चले जाना, मेरा मतलब ये नहीं था कि अभी लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं भी जाकर सब कुछ ले आता हूँ। क्या चीज चाहिए और तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं बस अभी जाके सब ले आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? वैसे अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ भी जा सकते हैं। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूं रेहान, तुम अकेले में डर ना जाओ इसलिए कहा। जो तुमने मेरे साथ किया उससे बुरा कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं डरूंगी,
ये कीज रख लो, मेरे जाने के बाद लॉक कर लेना। हाँ, मैं भी देख रहा हूं। रुको, पहले मैं जाऊंगी। तुम क्यों? पहले मैं जाकर बात करती हूँ, उसको बताती हूँ, फिर मेरे पीछे तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। गोनल, तुम यहां से जा सकती हो, आजाद हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मीरान से तुम्हारी जान छूट रही है, नहीं समझी तुम? मीरान से जान छूट रही है मेरी? मेरे पास तो उसके अलावा जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। मीरान तुम्हारा क्या लगता है जो उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं? तुम तो जानती हो कि मेरे दादा मुझे मार डालना चाहते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम मीरान की हो कौन? हाँ, तुम किस रिश्ते से मीरान के साथ रह रही हो? बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे जानती हो मैं हूं कौन? मीरान के अंकल की बेटी हो तुम? हाँ बिल्कुल, उसके अंकल की बेटी हूं, लेकिन तुम्हें पूरा रिश्ता नहीं पता। मैं असलान में खानदान की बहू हूं, और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलान भी मेरे शौहर का नाम है। समझी तुम? अब सोचो मत, आजाद बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मौका अच्छा है, आजाद के साथ चली जाओ तुम। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा इससे पहले कि मीरान यहां आए। जल्दी जाओ यहां से। तुम होश में रहकर बात करो अजीजा। तुम कहां खड़ी होकर किसे मारने की बात कर रही हो? शादोलो अपने दुश्मनों की बहन बेटियों को कभी अगवा नहीं करते, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ये।
शादो लोग तुम्हारे जैसे हरगिज नहीं आए। अब ये बताओ कि एलिफ कौन है और क्या लगती है तुम्हारी? जवाब तो अजीजा, कौन है अलिफ और तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए रात के इस पहर तुम मेरी दहलीज में खड़ी हो? बताओ मुझे। है कोई हमारे घर से? हमारे घर में काम करने वाली हर खातून असलान बे खानदान की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी का एक बाल भी बीका हुआ तो उसका हिसाब मैं खुद लूंगी तुमसे, समझ गए? अजीजा, तुम बगैर इजाजत मेरी प्रॉपर्टी पे आई और चुप रहा मैं। तुम यहाँ मेरे घर आई और बकवास करने लगी, फिर भी चुप रहा मैं क्योंकि तुम यहाँ मेरे घर में खड़ी हो। मगर हर बार ऐसा नहीं होगा, याद रखना। तुमने जो हरकतें की उसके बाद अपनी जगह इस इलाके में खो चुकी हो। मिद्यात में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम अब यहाँ की बासी नहीं रही और बहुत जल्द तुम यहाँ से बगैर पीछे मुड़े वापस चली जाओगी। अगर किसी इलाके में किसी इंसान का कोई अपना दफना हुआ हो तो वो वहां का बासी नहीं होता नसू। तुम खुद सोच लो फिर, कौन यहाँ का बासी है और कौन नहीं, और कौन यहाँ से बगैर पीछे मुड़े चला जाएगा, सोचो। बस मुझे यही उतरना है। तुम यहाँ रहती हो? मुझे ड्रॉप करने का बहुत शुक्रिया एलिफ। मेरी बात सुनो एलिफ, एलिफ, एलिफ। ये हवेली, ये तो असलामे वालों की हवेली है। फिर ये लड़की कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे हूँ और मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है। अजीजा खानम हमारी हवेली में है। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो हमसे और क्या चाहते हो तुम लोग? तुम कहना क्या चाहते हो खिजर? बात सुनो सुल्ताना खानम, उस बेगैरत मीरान को कहना कि अगर कल शाम तक मेरी बेटी घर वापस नहीं आई, कसम से इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा, समझ गई तुम? मैंने तो इसे शादी पर भी नहीं देखा था, घर की मुलाजमा भी नहीं लगती। आखिर कौन है ये? जहान भाई आप?
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई वो मैं तो यहाँ से यूं ही गुजर रहा था। छोड़ें, ये बताएं आप यहाँ इस्लामी वालों की हवेली में क्या कर रहे हैं? क्यों आए थे यहाँ? मैं इस हवेली में अपनी बेटी को लेने आया था जान। अब चलो यहाँ से, क्या यहीं पे खड़े होकर बातें करते रहेंगे? असलानबे वाले हमारी हवेली में। वाले हमारी हवेली में? हाँ, चलो क्या है, गाड़ी में बैठो, रास्ते में बताता हूँ सब तुम्हें। बताइए ना प्लीज। रजा की कॉल आई थी मेरे पास, अजीजा असलानबे अपने गार्ड्स के साथ हमारी हवेली में आ गई है, तुम चलो जल्दी बस चलो। कुछ हुआ है क्या? कहाँ थी तुम लड़की, बगैर किसी को बताए कैसे जा सकती हो तुम? मैं बाहर वॉक करने गई थी। अब आप बात का पतंगड़ मत बनाइएगा। पतंगड़ बना रही हूँ मैं? तुमसे अम्मी जान खुद बात करेंगी। ये आदमी कौन था? तुम्हें इससे क्या, बस तुम ये सोचो कि तुम्हें अजीजा बेगम को क्या जवाब देना है। बेटी ठीक हो ना? ठीक हूँ। अच्छा चलो अंदर। रियान, गुनल, तुम यहां क्या कर रही हो? गुनल, मेरा गुनल, क्या हुआ तुम्हें? गुनल, रियान कहां है? मेरा मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई। मीरान, ये सब उसने किया है। कैसे, कहां चली गई? आजाद, रियान आजाद के साथ चली गई। गोनल, गोनल, रियान तुमने ये सब क्या किया? रियान तुमने ये सब क्या किया? रियान क्यों किया? रियान मुतमईन रहो, मैंने तुम्हें उसके चुंगल से आजाद करा लिया है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं असलानबे खानदान की बहू हूँ और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलानबे मेरे शौहर का नाम है। तुम सुन रही हो ना रियान, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम चले जाएंगे यहां से ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और उसके बाद जहां तुम चाहोगी वहां जाएंगे। तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, हम मंगनी तोड़ देंगे। नहीं, नहीं। गोनल मुझे दे दो। नहीं, मुझे मीरान से बात करनी है। साथ क्या? गाड़ी घुमाए, मुझे उससे बात करनी है। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें उस मकान के पास वापस नहीं जाने दूंगा। आजाद भाई गाड़ी मोड़े। मुमकिन नहीं रियान। आजाद भाई गाड़ी मोड़े, रुक दे गाड़ी। पागलपन मत करो रियान। रियान, रियान, गाड़ी मोड़।
रियान नहीं। ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। तुम्हें हर रोज जीते जी मारूंगी का मतलब ये तो नहीं था। तुमने अपना इंतकाम ऐसे लिया, तुम्हें जिस आग में फेंका था उससे ज्यादा बड़ी आग में जलाऊंगी मुझे। ये सब क्यों किया रेहान? क्यों? रियान ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे वो इस आग में जितना मर्जी चली हो, मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आजाद ने उसको फोर्स किया होगा, आजाद ने फोर्स किया। एलिफ फिर गई कहां फिरात? तुम लोगों से कहा था कि शहर का कोना कोना छान मारो, कहां गई मेरी एलिफ? दादी जान, हमने उसको हर जगह तलाश किया है, आप फिक्र ना करें, मिल जाएगी वो। अस्मा, मुझे कोई खैर की खबर देना। खैर की खबर है खानम, एलिफ आ गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सही सलामत है। वो बस वॉक पर गई थी और रास्ता भूल गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्मा, तुम उस पे अपनी नजर रखना। हाँ, मैं खुद आकर उससे पूछती हूँ कि कहाँ थी वो। मीरान की कॉल है, उठाओ उठाओ, स्पीकर भी ऑन करो। हेलो हेलो फिरात, आजाद ने हमें ढूंढ लिया, वो रियान को ले गया है, गोनल भी जख्मी है। लेकिन कैसे, उसे कैसे पता चला? तुम कैसे हो, गोनल कैसी है? फिलहाल कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैं गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे हुआ, गोनल भी वहां पर आ गई थी। गोनल, उसको जगह का कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है मुझे। मैं फिलहाल गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और फिर आजाद का पीछा करूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। तुम्हें किसी भी चीज का कुछ इल्म नहीं है, समझे तुम? और ना ही तुम किसी को कुछ बताना, ठीक है? ठीक है। मेरा, 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 मेरा। बस हिम्मत से काम लोगों ने, हॉस्पिटल आने वाला है। अच्छा, तो वो शादलो वालों की लड़की भाग गई, जहां दफा होना है हो जाए। महमूद, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो। हम हॉस्पिटल नहीं, सीधा हवेली जाएंगे। मुझे हवेली उतारकर तुम हॉस्पिटल चले जाना और मुझे बराबर खबर देते रहना। हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, कौन है? किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की? हाँ हाँ, आने वाली है। क्या ये जिंदा है? पता नहीं। रेहान, रेहान, रियान। सर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, उसको देखें, उसको देखें। रियान, रियान, रियान। अभी तक पल्स काम कर रही है, जल्दी से स्ट्रेचर निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना है। ये जिंदा है ना?
फिर आंखें क्यों नहीं खोल रही है? रियान, ये जिंदा है ना? रियान, तुम ठीक हो जाओगी रियान, ठीक हो जाओगी। आप हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं इसे अकेला नहीं सर, एम्बुलेंस सिर्फ मरीज के लिए होती है। मैं भी जख्मी हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। ओह गोनल, पता नहीं कहाँ पे हो और क्या कर रही हो। एलिफ ठीक है, अपने कमरे में है। कोई नेकी काम आ गई आपकी अजीजा बेगम? आप खुशकिस्मत हैं कि वो बगैर किसी नुकसान के घर वापस आ गई खैरियत से। एलिफ के बारे में तुम कब से परेशान होने लगी? तुम उसकी फिक्र करने के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे समझाया भी था कि आराम से रहे, लेकिन फिर भी अपने सर पर एक मुसीबत ले आई। शादुलो खानदान की लड़की को उसके अंकल का बेटा उस घर से अपने साथ ले गया। गोनल जख्मी हो गई, पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही थी। मीरान उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। गोनल, गोनल फौरन गाड़ी तैयार करवाओ। एलिफ, क्या आप मानेंगी मुझे? मैंने पहले कभी तुम्हें मारा है? आप नाराज मत होइएगा, बस हवा खाने गई थी बाहर में। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी थी एलिफ। जब तुम्हारी कॉल किसी अजनबी ने अटेंड की तो मेरी तो सांसें रुक गई। इस शहर में हमारे दुश्मन मौजूद है, बताया था। तुम्हारे लिए सब खेल है क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे टाइम का पता नहीं चला। जल्दी में घर आते हुए फोन कहीं गिर गया और घबराहट में घर का रास्ता भी भूल गई। एलिफ, देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान उठाओगी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो एलिफ कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, क्या तुम्हें नहीं पता? जी समझ रही हूँ, आप जैसा समझ रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मुझे एक बंदा घर तक छोड़ के गया था, मेरी जैसी बेटी भी है उसकी। कौन था? किस खानदान से था? कॉल करके शुक्रिया अदा करते, खाने पे बुलाते हैं उसे। मालूम नहीं, जहाद नाम था उनका। मीरान भाई शायद जानते होंगे उन्हें, बहुत अच्छे आदमी थे, किसी अच्छी फैमिली से लग रहे थे। जहां, वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया? तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम कौन हो? उसको ये तो नहीं बताया कि तुम मेरी पोती हो? नहीं दादी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उसे। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अब क्या हो गया दादी जान? दादी जान, दादी जान, क्या हुआ क्या दादी जान, बताए तो सही। आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो सिर्फ बेहोश है, अंदरूनी तौर पे कोई चोट नजर नहीं आ रही। ये ठीक हो जाएगी ना? हॉस्पिटल पहुंचे फिर डॉक्टर चेकअप करके ही आपको बता सकते हैं। कॉल कर रहा है इसकी ये मचाल, मक्कार कहीं का।
आई एम सॉरी, रिलैक्स हो जा यार, क्या कर रहे हो? रियान को आजाद ने किडनैप कर लिया है, मुझे पता है उसने कितनी जबरदस्ती की होगी, सब पता है मुझे। रियान ऐसा कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। वो क्यों ना जाती? क्यों ना जाती वो? रियान ने जाने के लिए पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे। तुम्हें कैसे पता वो जबरदस्ती लेगी? पता है मुझे, पता है मुझे, पता है मुझे, जानता हूँ मैं, जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रियान की आंखों में देखा है। बेशक वो मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन मैंने सब कुछ उसकी आंखों में पढ़ा है। वो चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो जाए, लेकिन मैंने उसका दिल देखा है, फिलहाल देखा है मैंने। रियान नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, समझे तुम? कभी नहीं। मिरहान, मिरहान तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ यार। दोबारा जख्म तो नहीं खुल गए? चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, ठीक हूँ मैं, बस अचानक से सांस लेना मुश्किल हो गया। I'm sorry, मैं अचानक गुस्से में आ गया था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, तुम ठीक हो तो सब ठीक रहेगा मेरे यार। मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर ये कर क्या रहे हो तुम? मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रियान ढूंढ कर ला दो फिरहत, प्लीज उसे ढूंढ के मेरे पास ले आओ, प्लीज मेरे भाई। मिरान, जब तक आजाद का पता नहीं चलता हम रियान को कैसे ढूंढें? और वैसे भी वो फोन अटेंड नहीं कर रहा मेरा। मैं पागल हो जाऊंगा फिरहत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सिर्फ तुम्हें, मुझे और रियान को पता था कि हम लोग वहां पर हैं, और किसी को भी नहीं। गोनल, आजाद कैसे आ गए वहां पर? उनको जगह का कैसे पता चला? उन दोनों को किसने बताया कि हम लोग वहां पर हैं? किसने, किसने बताया उन्हें? जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। सुनने में आया है कि निकाह भी जाली था, क्या जरूरत थी ये सब करने की जब उसको छोड़ना ही था? वो ऐसे नहीं कर सकता था, उसकी गोनू से शादी हो चुकी थी। जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे तुम। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है, उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यारिन, क्या हुआ है मेरी बेटी को? इजी रहिए सुल्ताना मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं। एक तरफ अजीजा बेगम ने और दूसरी तरफ तुमने मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर दी है। वो मर जाए तो तुम लोगों की जान छूट जाए, है ना? लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, जो मर्जी चाहे कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुल्ताना मैडम, प्लीज रिलैक्स हो जाए। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू को इस तरह पकड़ने की? छोड़ो मुझे, मुझे जो कुछ पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इंतकाम न लेते। देखो मीरान, ये इंतकाम का खेल सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे ज्यादा हमारा ही घर जल रहा है। जान छुड़ाओ अब इस बला से। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? इस हादसे की वजह से चोट इनके सर पर लगी, इसलिए ये होश में नहीं। हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ तुम? मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैं यही हूँ रियान, यहीं पे हूँ मैं। मुझे मत छोड़ना प्लीज। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ यहीं पर, तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने वादा किया था,
अगर कभी मैं गिरी तो तुम मुझे संभाल लोगे मीरान। मीरान मत जाओ, मीरान। ठीक है ना? ये परेशान ना हो, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपने भी अभी कॉल करनी थी। अभी रुको सरा। बस एक तुम्हारी कमी थी आर्यन। मैंने रियान को उसके चुंगल से छुड़ा लिया है। ये मत पूछना कि मैं कहां पर हूं। जब तक मैं खुद कॉल ना करूं मुझे कॉल मत करना। तुम और अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या मतलब, क्या कर रहे हो तुम? अम्मी आजाद, तुम क्यों मुझे मार देना चाहते हो? अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं रियान को नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है तुम्हारे लिए कि उसकी खातिर खुद को आग में भी झोंक सकते हो? आजाद बेटा, कुछ अपनी माँ का तो ख्याल कर लो। मेरी बात मानो, लड़की को जहाँ से उठाए वहीं छोड़कर आ जाओ। लड़की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी तुम्हारे क्या हुआ? अम्मी मैं कर दूंगी। अम्मी कर्जी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आजाद अब हम पर क्या ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। अम्मी क्या कर रहे हैं? बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? बताओ मुझे। कुछ नहीं मालूम, मैंने सिर्फ भाई को रियान को तलाश करने में मदद की थी। बंद करो बकवास। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ये कर क्या रहे हो आखिर? अब मैं और तमाशा होने नहीं दूंगी। जल्दी बताओ, बताओ मुझे कहाँ है वो लड़की, बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे।